हेलो एवरीवन, चार्ट ऑन व्हील्स में फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जो कि हमारी एडवेंचर 390 है, उसका जो क्लच का स्विच होता है एक, उसको रिप्लेसमेंट करना है, जो कि केटीएम फ्री में रिप्लेस करके दे रही है। हम जा रहे हैं कीर्ति नगर सर्विस स्टेशन पे। कल रात को ही मेरी बात हुई थी वहाँ पे, कह रहा भैया एक ही स्विच बचा है, आप आ जाना नहीं तो ये चला जाएगा। तो मैं जा रहा हूँ उसको रिप्लेस कराने, क्योंकि स्टॉलिंग इशू इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरी बाइक में। जैसे हाई स्पीड से एकदम मुझे लो स्पीड में आना पड़ता था तो फटाफट गियर चेंज करता था तो बीच में बंद हो जाती है। ये तो KTM में बहुत ही इशूज़ हैं, तो शायद इस स्विच के कारण हो सकते हैं। देखते हैं अगर इसका रिजोल्व होता है स्टॉलिंग का, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके कारण था या और कोई कारण है। तो अभी मिलते हैं आपको सीधा कीर्ति नगर, और वहाँ पे एक दो काम और कराऊंगा। तो हम पहुँच चुके हैं कीर्ति नगर, और ये है बजाज और KTM का सर्विस स्टेशन, जो कि है बग्गा लिंक बजाज। वो स्विच के लिए बोला था, स्विच के लिए। हाँ, क्लच का स्विच। और यहाँ पे अपनी बाइक का काम हो रहा है जो स्विच चेंज होने का, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, अंदर काम चल रहा है। आपका नाम क्या है भाई? संजीव। संजीव, तो संजीव भाई हमारा काम कर रहे हैं बाइक का, जो स्विच चेंज करेंगे अभी। अच्छा, ये स्विच होता है इसके अंदर, तो इसके लिए पूरा तामझाम खोलना पड़ता है। ये हेडलाइट पूरी सब, ये 12 आती है इसकी। तो ये डी क्लच स्विच कहते हैं, और पूरा इसमें तामझाम खोलना पड़ता है। ये पूरी हेडलाइट वगैरह पूरी बाहर आएगी, उसके बाद वो स्विच लगेगा। तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, ये हमारी बाइक का डी क्लच स्विच हमने निकाल दिया है। ये है पुराना वाला जो हमने रिप्लेस करना है। ये डी क्लच स्विच को कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर रही है, और ये है हमारा नया डी क्लच स्विच। इसमें डिफरेंस मैं बता दूं क्या है कि ये एक स्प्रिंग के साथ आता है नया डी क्लच स्विच। ये देखिए, ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, और इससे काफ़ी मूवमेंट फास्ट हो जाती है। और ये है हमारा पुराना डी क्लच स्विच, और इसमें स्प्रिंग नहीं लगा हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी स्टॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार बाइक बंद हो रही थी। और कंपनी ने स्पेशल बुलाया और रिकॉल किया सभी बाइकों को। ये देखिए, स्प्रिंग जो नए डी क्लच स्विच में स्प्रिंग लगाया गया है, और इसकी वजह से अब हमारे को स्टॉलिंग का जो प्रॉब्लम है हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेन इशू यही आ रहा था स्टॉलिंग का, ड्यू टू दिस क्लच, फॉल्टी क्लच जो डी क्लच स्विच है, और इसको हमने रिप्लेस कर दिया है नए से। ये है पुराना हमारा डी क्लच स्विच। तो अब इसको हम फिक्स कर देते हैं अपने बाइक में, और उसके बाद हम इसको बाइक को चला के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। और हमारी बाइक का काम हो गया है। तो जो क्लच स्विच था वो हमने चेंज करवा लिया है। अरे, स्विच से ही काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मुझे तो। देखते हैं अब इसमें स्टॉलिंग इशू आता है कि नहीं आता, क्योंकि कहते हैं कि स्विच की वजह से कई बार ये स्टॉलिंग इशू आ जाता था। तो सभी जितनी भी KTM की एडवेंचर 390 है उसको रिकॉल किया गया था इस स्विच को चेंज करने के लिए। जो ये स्विच चेंज किया है इसका क्या इफ़ेक्ट है, तो ये मैं आपको अभी मैं जो चलाऊंगा अपने घर पे जाके बताऊंगा इसको क्या। तो गाइस, आपने देखा कि मैंने कीर्ति नगर बग्गा लिंक सर्विस से अपना ये जो क्लच का स्विच है उसको चेंज करवा लिया है, और ये लेटेस्ट स्विच आया है सभी जो KTM बाइक्स है 390 के लिए।
और अभी तक जो मुझे डिफरेंस लगा है तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी तक एक बार भी हमारी बाइक स्टॉल नहीं हुई है, बंद नहीं हुई है। पिकअप में भी काफ़ी डिफरेंस आया है, मुझे तो लग रहा है यार कुछ अलग हुआ है एक स्विच के कारण। कल भी मैंने करीबन 20 किलोमीटर राइड की थी, भीड़ भाड़ में भी राइड की थी, और आज भी मैं काफ़ी राइड कर चुका हूँ, और बाकी तो एक लॉन्ग राइड पे जाके फाइनल मैं आपको बताऊंगा। अभी तक तो मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ ये स्विच से, और आप मस्ट ये स्विच को चेंज करवाएं अगर आपके ये बाइक में पुराना स्विच लगा हुआ है, डी स्विच। तो गाइस अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और कोई भी मेरा नया व्यूअर्स है इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायनारा।